Honorable President of All India BJP Party, Union Home Minister, Government of India, Sri Omit Chaji, NEDA ke convener Dr. Himanta Biswa Sarma ji, yahan mein upasthit North East ka 8th state ka sabhi sammaniyo Honorable Chief Minister, सभी पार्टी का एमपी और एमएलए और नॉर्थ ईस्ट का सभी पार्टी का रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, मैं असम का हूँ, असम का पार्ट बनेंगे। साल असम में इस साल बहुत बड़ा फ्लड हो गया, सबको मालूम है, नॉर्थ ईस्ट का सभी मालूम है। इसलिए मेरा कहना यह है कि असम में जितना क्षति हुआ फ्लड से, उसको मिटाने के लिए एटलीस्ट 1,00,000 करोड़ देने से उसको मिटा पाएंगे। नहीं, स्पेशली असम के लिए 1,00,000 करोड़ देने से इस साल में जितना बाढ़ पानी से नुकसान हुआ उसको मिटा पाएंगे हम। ये एक नंबर। 3 मिनट या 3 पॉइंट बात करेंगे, वो तो एक चला गया। दो नंबर है, ये असम में या नॉर्थ ईस्ट में बहुत इंसर्जेंसी है, सबको मालूम, सबको मालूम, अल्फा है, एनएसएल है, बहुत है। और यहाँ में हमारा बोडो इलाका में एनडीएफबी है। मैंने सोचा, हमने ट्राई कर रहा है बोडो कल्चर में, जो बोडो समाज में जो कान कल्चर है उसको समाप्त करने के लिए हमने ट्राई कर रहा है, एनडीएफबी से बात कर रहा है। और उस दिन हमने चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल जी से भी बात किया, तो एनडीएफबी का समस्या को समाधान करने के लिए सरकार का सहयोग चाहिए। और एनडीपी प्रोग्रेसिव धीरेन्द्र प्रेसिडेंट, इसका लीडरशिप में जो बात हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी एक्सपर्टेड करना है और उसको समाधान करके देना है। और जंगल में जो लोग है अभी तो होम डिपार्टमेंट से अनुमति मिलने से हम बात करके उन लोग को भी ला पाएंगे, मेरा विश्वास है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया, आप हमको अनुमति दीजिए, जंगल में अभी तक जो लोग एनडीपी है उन लोग को भी बात करके हम लाएंगे और जल्दी से जल्दी एनडीपी का समस्या समाधान हो जाए। और 3 नंबर है, ये हमारा असम में कार्बी तिवा ऑटोनॉमस काउंसिल है, मिसिंग ऑटोनॉमस काउंसिल है और राभा ऑटोनॉमस काउंसिल है, वो लोग बीटीसी का जैसा 6 शेड्यूल में अपग्रेड करना चाहता है, उसको अपग्रेड करना है। और बीपीएफ बीजेपी से ही रहेंगे। हमारा बीटीसी में बोडोलैंड का जो इलेक्शन है बीटीसी में 2020 का अप्रैल महीना में होगा, इस इलेक्शन में हम एजीपी बीजेपी और बीपीएफ एक साथ लड़ेंगे, गवर्नमेंट हम ही बनाएंगे। और साल 2021 में भी एमएलए इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ में असम में, आराम से बीजेपी सरकार बनाएंगे, आराम से, चिंता मत कीजिए उसको। और दिल्ली में भी बीजेपी का सरकार, एनडीए सरकार 20 साल तक रहेगी, इसके बाद में क्या होगा मालूम नहीं। 20 साल आराम से एनडीए सरकार 20 साल रहेंगे, एनडीए सरकार रहेंगे। और असम में भी हमारा सर्वानंद जी ने चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बस होगा ही, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं, चेंज करना नहीं चाहिए सर।
Sarvananda is a quick signature for my head. Search for that, he said, वही रहना है, हाँ, ठीक है। तो मेरा बोलना ये तीन बात बोल दिया, उसी को हमारा एटेक्सेसी अमित शाह जी ने जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। उसको ही बोलके मेरा भाषण यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।